गाइस तो हम इस पत्थर को ये गिराने वाला है बहुत ऊंचा जगह में, तो हम इसको पत्थर पे किए, चलो देखो निशाना बहुत खराब था, देगा पास वाला मिस हो गया, अब मैं फेंकता हूँ। लगता है पत्थर नहीं गिरेगा, लग रहा है चलता दे तुम फेंको, लगता है नहीं गिरेगा, लग रहा है गिरा दे। ओह नो, आखिर तुमने गिरा ही दिया, गुड जॉब। कैमरामैन ये गाइस, तो आज का दिन बहुत ही औसम है। इस वक्त मैं अरुणाचल प्रदेश के जंगल में हूँ। एक्चुअली मैं अरुणाचल से ही हूँ, ईटानगर का ही, तो मुझे ये वीडियो इसलिए, मैं ये वीडियो का ये मकसद इसलिए कि हम जंगल में आके कितने रिलैक्स होते हैं हम, और ये हमें हमेशा ये हम माइंड का काम्स देते हैं। तो इस वक्त मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ दूर जंगल में ये डिक्रोंग रिवर का नदी के ऊपर में, तो गाइस मुझे बहुत दुख होता है कि ये जब डिफॉरेस्टेशन और ये जब जानवर जब विलुप्त हो जाते हैं, तो इस तरह से तो हम एक्चुअली मेरा ये यहाँ में आने का मकसद है, ये जंगल में आने का मकसद जो सर्वे करने आया हम यहाँ में, तो इस वक्त में हम ब्रिज में लेटा हुआ है, बहुत रिलैक्स फील कर रहा है, तो सर्वे कर रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ ऐसा यूनिटी क्रिएट करे जो हमारा हमें और हमारा अर्थ को और सुंदर बनाए, और प्लांटेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो, जिस तरह से आजकल ये इंटरनेट की ये डिजिटल की ये तेज़ी से होते जा रहे हैं, तो इसी तरह से मैं भी मेरा ये सपना है कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें और हरा भरा इसको, फिर ये अर्थ को और हरा भरा करें। तो ये छोटू गाइड क्यों हिला रहे हैं, मुझे भाषण तो सही से करने दो। तो गाइस मैं जब यहाँ में आया, मैंने यहाँ देखा कि सबसे ज़्यादा यहाँ में कहते हैं शिकार होते हैं ये जंगल में, ये लोबी वाला जंगल में पापुम परे डिस्ट्रिक्ट है ये, तो यहाँ शिकार होते हैं। हम लोग सबसे पहले ये सब रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम लोग सबसे पहले ये डिफॉरेस्टेशन इसको रोकना चाहिए, हम लोग इसको एजुकेट करना चाहिए, जो ये बड़े लोग हैं जो ओल्ड एज के टाइप के लोग हैं, यहाँ सबसे पहले हम अरुणाचल में यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ शिकार लोग रहते हैं, हर जानवर को मार दिया जाता है, और इस तरह से हम लोग यहाँ पूरी तरह से ये एनिमल्स लोग इन डेंजर में है, और ये खेती करने वाला लोग ये लोग को इतना आइडिया नहीं है कि हम लोग बाद में प्रॉब्लम होगा के, तो डिफॉरेस्टेशन ऐसा हो रहा है, तो हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग ये एक स्टूडेंट यूनियन या गवर्नमेंट्स लोग इस बात पे ज़्यादा ज़ोर से ज़ोर ज़्यादा देना चाहिए, हम लोग यूनिटी सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग वाला फॉर्म करना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले ये शिकार वाला लोग को रोकना चाहिए, और ये नदी में या सबसे पहले सबसे ज़्यादा या दवाई मारते हैं दवाई, तो यहाँ में दवाई वाला को रोकना चाहिए, सिर्फ पंछी मारने देना चाहिए ये डिक्रोंग रिवर में। तो गाइस आपका क्या एडवाइस है, तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। तो आज हम जितना भी ये तीन ये वीडियो का ये लास्ट पार्ट थे, हम ये वीडियो का तीन पार्ट बनाए, तो गाइस प्लीज़ कमेंट करिएगा, ये हम लोग का ये अरुणाचल जो ये बहुत तेज़ी से ये बहुत ये पोल्यूट होते जा रहा है, और नेचुरल जो पूरा डिज़ास्टर में बदलते जा रहा है, तो ये इट्स ऑल टुडे का ये वीडियो जो इट्स ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड ये पोल्यूशन का बारे में था, तो प्लीज़ अपना व्यू कॉमेंट करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।